अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। शहर में बदमाशों का दुस्साहस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित केसरगंज अनाज मंडी में दुकान के बाहर धूप में व्यापारियों के साथ बैठे नमक के थोक कारोबारी हितेश बंसल को अपराधियों ने गोली मार दी। सिर में गोली लगते ही कारोबारी पीछे की ओर गिर पड़े। अन्य व्यापारी उन्हें लेकर तुरंत विमल श्री हॉस्पिटल पहुंचे। इसके बाद उनका सिटी स्कैन कराया गया जिसमें गोली लगने का पता चला। आनंद फानन में उन्हें लोकप्रिय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कारोबारी को गोली लगने की सूचना पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता, अरुण वशिष्ठ, विपुल सिंह व अन्य व्यापारी नेता भी अस्पताल पहुंचे। मामले की गंभीरता को समझते हुए SSP अजय सहानी समेत SP सिटी, CEO ब्रह्मपुरी आदि ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बताया जाता है कि रेलवे रोड थाना क्षेत्र के प्रेमपुरी निवासी हितेश बंसल पूर्व पार्षद नवीन बंसल के भाई हैं। शुक्रवार दोपहर वह अन्य व्यापारियों के साथ अपनी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठे थे, तभी पीछे से किसी ने उनको गोली मार दी। गोली लगते ही वह लहू लुहान स्थिति में गिर पड़े। व्यापारी उनको उठाकर पास के ही विमल श्री हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उनका उपचार कर सिटी स्कैन के लिए भेज दिया। सिटी स्कैन में सिर पर गोली लगने का पता चला। व्यापारियों का कहना है कि पटाखे जैसी आवाज आई थी, तभी हितेश कुर्सी से नीचे गिर गए और उनके सिर से खून बहने लगा। पहले ऐसा समझा गया कि हितेश को ब्रेन हैमरेज हुआ है। बाद में सिटी स्कैन में गोली लगने का पाया गया तो व्यापारियों के होश उड़ गए और उन्हें लोकप्रिय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आइए देखते हैं क्या कहना है SSP अजय सहानी का। ये केसरगंज का मामला है। हितेश बंसल एक व्यवसायी है, ये धूप में 4-5 लोगों के साथ बैठे हुए थे। अचानक इनके सर से ब्लड निकलने लगा, फिर इनके परिजन हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ सिटी स्कैन हुआ तो बताया गया कि बुलेट सर में लगी हुई है। और वहाँ क्या हुआ, कैसे गोली चली, किसी को पता नहीं है। कहाँ चली, किसने चलाई, मौके फॉरेंसिक की टीम है, जांच की जा रही है। थोड़ी देर में सारे तथ्य सामने आ जाए। सर, किसने देखा नहीं है, आवाज़ नहीं है, ऐसा तो नहीं इस वारदात में साइलेंसर का इस्तेमाल हुआ? नहीं नहीं, अभी सारी चीज़ें जांच की जा रही हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जिस तरह से बुलेट लगी है वो साइलेंसर की नहीं है, सुपरफिशियल अंदर 1 से 1.5 सेंटीमीटर अभी अंदर है। शाम को ऑपरेट करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा कौन से बोर की बुलेट है, उससे अपने आप डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा क्या है कैसे है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। जो भी अच्छा, हम सब जने बैठे धूप में बैठे हुए थे, अचानक 3-4 जने खड़े हुए थे साइड में, अचानक उनके सिर में से खून आना शुरू हो गया तो लगा नस फट गई, डॉक्टर के ले गए। लेकिन हमें सिटी स्कैन हुआ तो उसमें गोली आई है, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। देखा किसी ने, कुछ आवाज़ आई नहीं, कोई केवल पट्टी की आवाज़ हुई तो हमने समझा नस फट गई। अच्छा, जब खून आना शुरू हुआ तो उससे पहले पट्टी की आवाज़ हुई तो ऐसा लगा नस फट गई है। आसपास कोई था भी? कोई दूर तक नहीं था, केवल 4-5 जने हम ही खड़े हुए थे। अच्छा, बस जी। हालत कैसी है उनकी? अब नहीं, जानकारी नहीं है, अभी वो गए हुए, अभी बात नहीं हुआ। इनका नाम क्या है, क्या करते हैं? ये हितेश नाम है इनका, और हितेश बंसल इनका नमक का काम है, नमक कारोबारी। और ये यहाँ के जो केसरगंज मंडी है उसके जो अध्यक्ष हैं उनके भाई हैं छोटे।